नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपी क्या होता है। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये क्या होता है, किस कारण यूज में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं आईपी का मतलब क्या। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये काम क्या आता है, इसे आईपी से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है नाम तो पता है लेकिन है क्या, काम कैसे आता है, ये सब आप जानते हैं। देखिए, जैसे ऑनलाइन हम कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऑर्डर किया तो फिर हमको अपना एड्रेस देना पड़ता है कि कहाँ तक हमको, मतलब किस जगह पर हमको ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर चाहिए, डिलीवर करना है आपको। ठीक, एड्रेस में हम क्या देते हैं, अपना घर का पता देते हैं, किस कहाँ पास रहते हैं, गांव का पता देते हैं, पिन कोड देते हैं वगैरह, थोड़ा और जानकारी। तो इसी प्रकार हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, इंटरनेट पर हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, डाटा का ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर तक, सर्वर से अपने कंप्यूटर तक। तो अगर आप डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जिस चीज से आप ले रहे हैं उसको पता तो होना चाहिए कि कहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसी के लिए एक चीज बनाई गई जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के अभी वर्तमान में हमारे पास दो वर्जन है, दो प्रकार का आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कुछ इस तरह होता है जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें चार खंडों में इसको बांट दिया गया, और इस प्रकार के जो सिस्टम है इससे हम 4 बिलियन तक एक यूनिक आईपी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हमारे इंटरनेट यूजर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये 4 बिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए एक नया सिस्टम निकाला गया जिसको कहते हैं IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कुछ इस तरह होता है, और इस सिस्टम से हम बहुत सारे 4 बिलियन से कई गुना ज्यादा हम यूनिक आईडी निकाल सकते हैं, आईपी एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को अलॉट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस हमको मिलता कैसे है। देखिए, जैसे आईपी एड्रेस की एक कंपनी होती है और उनसे सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जिसकी आपने सिम ले रखी है, वो सर्विस प्रोवाइडर उनसे आईपी को लेते हैं, फिर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि यूजर ज्यादा है और आईपी कम है, अभी भी ये दुख की बात है कि इंडिया में IPv4 का ही, वर्जन 4 का ही उपयोग किया जा रहा है, IPv6 का उपयोग बहुत ही कम होता है इस दुनिया अभी विश्व में। तो यूजर तो ज्यादा है लेकिन जो आईपी है वो कम है। इसके लिए एक और सिस्टम निकाला गया कि देखिए, जैसे ऐसा तो नहीं है कि सभी यूजर लगातार पूरे दिन तक एक साथ नेट चलाते रहते हैं तो उनको लगातार आईपी देने की जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या सिस्टम निकाला गया, उदाहरण से जैसे 3 लोग हैं और 3 लोग लगातार इंटरनेट नहीं चलाते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास 2 आईपी है। ठीक, तो जैसे पहले 2 व्यक्ति जब आईपी इंटरनेट चला रहे हैं, उन्हें वो 2 आईपी उन दोनों को अलॉट कर दी और तीसरा भी नहीं चला रहा। अब क्या होता है, जैसे पहले छोड़ दिया, ठीक, अब दूसरा बस चला रहा, तो उनके पास 1 आईपी फ्री हो गई। अब जैसे ही वो तीसरा बंदा चालू करेगा अपने इंटरनेट, तो वो जो आईपी उनके पास रखी हुई है वो उनको अलॉट कर देंगे, मतलब फिर दूसरा खाली हो जाएगा तो उनके पास 1 और आईपी बच जाएगी, फिर अगर चौथा बंदा भी आता तो उसको अलॉट कर देंगे। तो ऐसे ही इनका सिस्टम चलता है कि जो नहीं चला रहा उसकी आईपी इनके पास स्टोर हो जाती है, और फिर जब कोई इंटरनेट अपना सर्विस को चलाता है तो फिर वो आईपी उनको दे देते हैं। ठीक, तो मतलब आपकी आईपी बदलती रहती है, पब्लिक आईपी आपकी बदलती रहती है। तो अब आप सोच रहे हैं कि पब्लिक आईपी बदलती रहती है तो मतलब मैं कुछ भी करूँ किसी को पता ही नहीं चलेगा क्यों, तो ऐसा नहीं है। पब्लिक आईपी बदलती जरूर रहती है लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास ये सारा डेटा रहता है कि मैंने किस टाइम पर किस
कौन सी आईपी किसको अलॉट की थी, किस बंदे को दी थी, उनके पास पूरी जानकारी होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 1 बजे दोपहर 1 बजे इंटरनेट का कोई क्राइम कर देते हैं, ठीक, तो उनके पास ये डेटा सेव हो जाता है कि इस टाइम पर मैंने ये आईपी दी थी, और फिर भले आपको 1 घंटे बाद आपकी आईपी बदल जाए तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेस नहीं हो पाएंगे, पुलिस आपको पकड़ नहीं पाएगी। पुलिस के पास FIR अगर होगी तो वो सर्विस प्रोवाइडर से ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि ये आईपी इस टाइम पर किसके पास थी, और फिर वो आपको आसानी से पकड़ सकते हैं। ये इंटरनेट पर कभी क्राइम मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियां प्राप्त हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो बुरा लगा हो तो यकीनन डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में हमें जरूर बताइए कि हम क्या कमियां हैं ताकि हम उसे पूरा कर सकें और अच्छी से अच्छी वीडियोज आपको प्रोवाइड कर सकें। और ऐसी ही अधिक से अधिक एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।